आज का हमारा जो एपिसोड है वो प्रारब्ध एवं पुरुषार्थ। भाई और बहनों, दो शब्द है, एक तो प्रारब्ध और एक पुरुषार्थ। प्रारब्ध का मतलब उदय, ये ऑटो मोड से चलने वाला है, स्वचालित है, उसके अंदर आपको कुछ करना नहीं है, ये तो हो रहा है और ये होता रहेगा और करने की स्वतंत्रता भी नहीं है। और दूसरा होता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब उद्यम करना, कुछ एम बनाना, कुछ कार्य करना। पुरुष बन गए हो तुम, पुरुषार्थ करो। इस सब चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, जो चेतना है, इस चेतना के तीन स्तरों की बात करूंगा जो कि इससे जुड़ी हुई है, और फिर प्रारब्ध की करूंगा। पुरुषार्थ भी दो तरह के होते हैं, रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ करके आपको रियल पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दूंगा। तो देखिए, तीन चेतना कौन सी होती है। पहली हमारी चेतना होती जीवात्मा, जिसको स्वार्थ की चेतना कहते हैं। जीवात्मा में क्या होता है, नॉर्मल व्यक्ति जीवात्मा ही होता है और इससे ऊपर वाले बहुत कम होते हैं। तो जीवात्मा होता है वो मैं और मेरे से जुड़ा रहता है, वो कर्ता भाव से जुड़ा होता है और वह डूअरशिप और ऑनरशिप से जुड़ा हुआ होता है, जो ब्लेम और क्लेम से जुड़ा हुआ होता है वो जीवात्मा होता है। वो पांच इंद्रियों के सुख में रहता है, वो लौकिक व्यवहार तक ही सीमित रहता है। स्वार्थ की चेतना वाला होता है, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ डहे तो डहे। स्वार्थ की चेतना वाला देखता है, मुझे तो पांच इंद्रियों का सुख ऐश्वर्य मिलना चाहिए, मुझे किसी से कोई दूसरा लेना देना कुछ भी नहीं है, मेरा काम हो जाना चाहिए, मैं और मेरे से परे नहीं जाता, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी पत्नी, मैं किसी का पिता, मैं किसी का पुत्र, मैं बड़ा लेखक, मैं भारत का प्रधानमंत्री, मैं भारत का राष्ट्रपति, मैं कुबेरपति, और मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस तरीके की भावना के अंदर लुब्ध रहता है और देखते देखते पूरा जीवन जैसे आए थे वैसे चले जाते हैं। ये तो होगी जीवात्मा। एक कुछ लोग होते हैं जो पीछे से पुण्योदय लेकर के आते हैं। कैसे पुण्योदय लेके आते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बड़े बड़े जो लोग हुए, शंकराचार्य, जो पीछे से पुण्योदय लेकर के आते हैं और इस जन्म के अंदर बड़े बड़े कार्य करते हैं। तो जिनका ऐसा पुण्योदय होता है वह जन्म के कुछ समय बाद ही अंतरात्मा बन जाते हैं। होनहार बिरवान के रोत चीखने पात। जो होनहार व्यक्ति होता है तो उसके जो डीड्स है, उसके जो कर्तव्य है, उसके हाल चाल है, वो पालने में ही दिखाई दे देते हैं। उसके सूरत से, उसके शांत रहने से, उसके मुस्कुराने से कुछ ऐसे हमको प्रमाण मिल जाते हैं कि ये महान व्यक्ति होने वाला है। तो इसीलिए जो जीवात्मा का पुण्य लेके आते हैं वो सर्च करते हैं। कैसे सर्च करते हैं, स्वामी विवेकानंद तो बड़ा भारी प्रारब्ध लेके आए थे, कष्टपूर्ण प्रारब्ध लेकर के आए थे पिछले जन्म से। वो क्या था, 10 भाई बहन थे, उनके घर में 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं था, तो बड़े कष्ट से जीवन यापन करते थे और 36 वर्ष कुल जिए, लेकिन बड़े पुण्यशाली थे। बचपन से ही उनमें वैराग्य पैदा हो गया, बचपन से ही उनके अंदर भावना आई कि मुझे सदगुरु की तलाश करनी चाहिए, मुझे ज्ञानी पुरुष की तलाश करनी चाहिए जो कि मुझे ईश्वर के दर्शन कराए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। कि हे मेरे गुरुदेव, आपने मुझे ईश्वर के दर्शन कराए तो पहली धोख मैं आपको देता हूँ, फिर ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए उन्होंने जो इसकी जो है खोज चालू करी,
कि मुझे ज्ञानी पुरुष मुझे सद्गुरु मिले, बहुत लोग बहुत गुरुओं से मिले लेकिन मन थापा नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अंत तो गतवा जब पुण्योदय होना था, जब जो है वह कन्याकुमारी के मठ के ऊपर जो है राम कृष्ण परमहंस विराजमान थे, उनके दर्शन हो गए, उनका पुण्योदय होते ही विवेकानंद जी के, जिनका जो है पुण्योदय से उनका हुआ, और उन्होंने जो है अपने गुरु को तलाश लिया। प्रथम दृष्टवा जो है वो विवेकानंद को जो है अपना गुरु मिल गया स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जो है वो अपना शिष्य मिल गया। तो अब क्या होता है कि देखिए कि प्रारब्ध तो बड़ा कठिन का था, ये मालूम पड़ा गुरु को, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं काली का उपासक हूँ और तुम भीतर जाकर के प्रार्थना करो कि हमारी आर्थिक अच्छी स्थिति हो जावे और हम सभी लोग आनंद से भरण पोषण करें। भीतर गए, जो है देवी की छटा को देखा, ज्ञान के वातावरण को देखा, और वो अपना जो प्रारब्ध था उसका तो भूल गए, और उन्होंने कह दिया गॉडेस प्लीज गिव मी एनलाइटनमेंट। गॉडेस ने कहा था अस्तु, एनलाइटनमेंट का मतलब उसको उनको ज्ञान मिला। ज्ञान एक दीपक की तरह है,